हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का सेकंड लेसन। सेकंड पार्ट का ये बुक है ईवीएस का, तो इसमें से सेकंड लेसन है हिस्ट्री एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। तो ये लेसन का जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे देती हूँ, तो आप लोग इजीली उसे देख सकोगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स। द कैलेंडर वॉज यूज टूडे इज बेस्ड ऑन द डैश। तो यहाँ पर आप लोगों को वर्कबुक होगा, फिफ्थ स्टैंडर्ड में बच्चों को वर्कबुक होते हैं, तो वर्कबुक में से ही आपको आंसर्स लर्न करने होते हैं। तो मैं यहाँ पर वर्कबुक के आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ। द कैलेंडर दैट वी यूज टूडे इज बेस्ड ऑन द कॉमन और क्रिश्चन एरा। तो आंसर क्या लिखना है? कॉमन और क्रिश्चन एरा, ठीक है। सेकेंड, द पीरियड बिफोर कॉमन और क्रिश्चियन एरा इज नोन एज द बिफोर कॉमन एरा। तो उसे हम कहेंगे बिफोर कॉमन एरा, जो कब था? क्रिश्चियन एरा के पहले जो पीरियड था उसे हम बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, बीसीई। बीसीई आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा होगा, तो मैंने ये पूरा क्लियरली बताया हुआ है। आवर अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस एट अ सर्टन स्पीड। अपने एक्सिस में मतलब अपने खुद के अराउंड, अपने लाइन में घूम रहा है, उसे हम कहते हैं एक्सिस। वी रिफर टू द कॉमन क्रिश्चियन एरा रिटर्न इन शॉर्ट एज सीई। तो हम कॉमन एरा कैसे लिखते हैं? सीई। क्रिश्चियन एरा भी सीई, ठीक है। फर्स्ट लेटर जो है उसे लेकर लिखना है, और एडी एनी डोमिनी, इसका मतलब क्या होता है? एनी डोमिनी। द कॉमन एरा बिगेन इन मेमरी ऑफ जीजस क्राइस्ट। तो ये कब स्टार्ट हुआ? द मेमरी ऑफ जीजस क्राइस्ट, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको टेक्स्ट बुक में सिर्फ दो दिए हैं, बट हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा भी देखे हैं, तो आपको एग्जाम में सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जब आते हैं ना, तो यू कैन राइट दिस आंसर्स। ना हियर आप लोगों को ब्रैकेट में ना दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें से आप लोगों को अप्रोप्रिएट फाइंड करना है, अल्टरनेट, और लिखना है, मतलब जो प्रॉपर आंसर है उसे फाइंड करके लिखना है। आवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ अपना किसके अराउंड घूम रहा है? सन के अराउंड। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है फिल इन द ब्लैंक्स में? टू कॉमेमोरेट हिज कॉरोनेशन इन 1674। छत्रपति शिवाजी महाराज हैड स्टार्टेड द राज्याभिषेक। तो शिवाजी महाराज ने जो उनका कॉरोनेशन हुआ था, उनको राजा बनाया गया था, वो याद रखने के लिए, कॉमेमोरेट मतलब याद रखने के लिए, उन्होंने क्या किया था? राज्याभिषेक सका एक स्टार्ट किया था। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर दिया है शालिवाहन सका एंड विक्रम सांवत। ये क्या है? अभी देखो, शालिवाहन सका जो है ना, जो मराठी चैत्र वैशाख ये सब हम बोलते हैं, 12 महीने बोलते हैं अलग अलग, चैत्र वैशाख ये आषाढ़, तो ये सब जो मंथ होते हैं, इसका जो कैलेंडर है ना, ये शालिवाहन शाखा जो है इसके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। जो मराठी लोग यूज करते हैं वो शालिवाहन शाखा है। अगर आप मराठी हो तो आप लोग कैलेंडर के ऊपर देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ रहता है टाइटल के, जहाँ पर मंथ लिखते हैं ना, वहाँ पर आप चेक करो। एंड देन विक्रम सांवत आर टू एरास दैट आर यूज इन इंडिया। तो ये इंडिया में यूज किया जाता है। तो शालिवाहन शका तो हमने देखा हुआ है, अभी विक्रम सांवत के बारे में भी आप लोग थोड़ा सर्च करके भी देख सकते हो। द हिजरी एरा वॉज स्टार्टेड टू कॉमोमोरेट माइग्रेशन टू ऑफ द प्रोहिबेड मोहम्मद फ्रॉम मक्का। आप लोगों ने मक्का देखा हुआ है ना, जहाँ पे मक्का मदीना कहते हैं, मक्का टू मदीना। तो ये कौन सा है? मुसलमान लोगों का जो होता है हिजरी एरा, ठीक है। ये जो मक्का मदीना है उसे याद रखने के लिए, ये यहाँ पर जो मोहम्मद, उनके पैगंबर जो थे मोहम्मद, तो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, उसे क्या कहेंगे? हिजरी एरा, ठीक है। ये सब मैं एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ? ताकि आप लोगों को पता चले कि हम हर एक जो रिलीजन होता है, हर एक धर्म का अलग अलग हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं ना। मद्रासी लोगों का अलग रहता है, गुजराती लोगों का अलग रहता है, पारसी लोगों का रहता है, ठीक
यूपी के लोग होते हैं उनका अलग न्यू ईयर रहता है, महाराष्ट्र के लोगों का क्षेत्र में होता है जैसे, तो इसी तरह से ना हर एक का अलग अलग अपना न्यू ईयर है। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर दिया गया है, द पारसी कम्युनिटी इन इंडिया यूजेस द शहनशाही एरा। कौन सा है शहनशाही एरा, तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है या ये आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है शहनशाही एरा के नीचे। तो कौन सा कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी शहनशाही एरा। अभी ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी हो सकता है, हिजरी एरा, क्या लिखोगे आप लोग, तो मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं सातवाहना शका और एंड विक्रम शका, विक्रम सांवत, ये इंडिया है, या सातवाहन जो है सातवाहन शका, ये महाराष्ट्र मराठी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी मैच करने के लिए आ सकता है। अलग अलग जो एराज होते हैं वो कौन कौन सी कम्युनिटी यूज करती है इसके लिए आ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस ईच। तो एक ही लाइन में हमें इसके आंसर लिखने हैं। ओके, तभी क्या दिया है, विच साइंटिफिक मेथड्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ द लेयर्स ऑफ सॉइल एंड द रिमेन्स फाउंड इन देम। तो अगर हम जो सॉइल होता है, मिट्टी जो होती है वो कितनी पुरानी है, ये सब साइंटिफिकली हमें देखना है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, कार्बन 14 एनालिसिस। कौन सा करेंगे, कार्बन 14 एनालिसिस, आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो पेज नंबर 9 के ऊपर यहाँ पर वो आंसर है, एनालिसिस एंट्री रिंग्स एनालिसिस। आपने झाड़ देखा हुआ है, झाड़ को काटने के बाद जब उसका ट्रंक होता है, बड़ा ट्रंक उसका होता है नीचे, ज्याला आपण मराठी मध्ये म्हणतो झाडाचं खोड, तर ते कापल्यानंतर उसे काटने के बाद उसके अंदर ऐसे राउंड राउंड रिंग दिखाई देते हैं, तो वो जो रिंग होते हैं इसे हम क्या कहेंगे, ट्री रिंग। इससे भी हमें ये पता चलता है कि वो कितना पुराना है। ठीक है, उसे हम दूसरा नाम भी देते हैं डेंट्रो, ये देखो डेंट्रो क्रोनोलॉजी, कैसे रीड करोगे, डेंट्रो क्रोनोलॉजी। ठीक है, और दीज मेथड्स आर नोन एज डेटिंग टेक्निक। तो ये आप पूरा भी लिख सकते हो वहां पर, एनालिसिस आर यूज आर द साइंटिफिक मेथड यूज। तो आपको ये दोनों लिखने के बाद कंटिन्यू पूरा साइंटिफिक मेथड से करना है, बहुत सिंपल है, ओनली यू हैव टू राइट दिस टू आंसर्स। हाउ इज द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ कॉमन एरा रिटर्न। अभी जो फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा है उसे हम कैसे लिखते हैं, टेक्स्ट बुक में लेसन एक्सप्लेन में देखोगे पूरा डिटेल बताया हुआ है। The first century of common era is written at 1 है ये 1 to 100 AD, 1 to 100 में आगे लिख देती हूँ AD। ठीक है, ये आपके जैसे ही 5th स्टैंडर्ड के बच्चे का बुक है जिसमें से मैं आप लोगों को आंसर बता रही हूँ। देखो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे की राइटिंग है, आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगी बिकॉज वो आपके जैसे ही है। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट राइटिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज जब किसी को हम बुक देते हैं तो आराम से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द कस्टमरी प्रैक्टिस टू स्टार्ट अ न्यू एरा, इट इज एन एज ओल्ड कस्टम। क्या लिखना है, एन एज ओल्ड कस्टम टू स्टार्ट अ न्यू एरा टू कमोमोरेट अ स्पेशल इवेंट। मतलब स्पेशल इवेंट जो है उसे याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू, इट इज नेसेसरी। क्या दिया है, व्हाट इज द कस्टमरी प्रैक्टिस टू स्टार्ट अ कॉमन एरा, तो क्या लिखेंगे, इट इज एज ओल्ड कस्टम। कौन सा, एज ओल्ड कस्टम टू स्टार्ट अ न्यू एरा। ठीक है, इतना भी लिख सकते हो या आप ये जो लाइन है इसे कंटिन्यू आगे बढ़ा भी सकते हो, और यू कैन राइट दिस ओनली टिल हियर, यहाँ तक भी ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, हाउ डू वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो हाउ वी गेट इंफॉर्मेशन, प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, द पीरियड व्हेन अ कल्चर इज रिटन अबाउट बाय अदर्स
but has not developed its own return system is often known as the prehistoric of the culture. मतलब जिसके बारे में लिखा हुआ हमें कहीं से नहीं मिल रहा है, क्योंकि तब राइटिंग जो थी डेवलप नहीं थी, राइटिंग सिस्टम नहीं थी, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड. सो देर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड फ्रॉम ह्यूमन प्री हिस्ट्री. तो ह्यूमन प्री हिस्ट्री के बारे में कोई भी रिटर्न नहीं, लिखा हुआ कोई भी रिकॉर्ड नहीं है. ठीक है. देन द फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड हिस्ट्री एरा बिगिन. तो ये आंसर आपको टेक्सटबुक पेज नंबर 8 के ऊपर, ऑन पेज नंबर 8 यू कैन सी हियर. फर्स्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें देखो, द फाउंडर ऑफ इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू मदीना. द हिजरी एरा वॉज स्टार्टेड टू कमोमोरेट दिस इवेंट. क्या बोलना है, कमोमोरेट, उसको रिमेम्बर करने के लिए, याद रखने के लिए फिर क्या किया गया है, हिजरी एरा स्टार्ट किया गया है. ठीक है. तब से फिर जो अभी जो मुसलमान लोग होते हैं, जैसे रमजान का महीना है या कोई और दूसरे महीने उनके होते हैं, जिस तरह से उनका कैलेंडर होता है ना, वो तब से चालू हुआ है जब मोहम्मद प्रोफेट मोहम्मद जो है वो माइग्रेट हुए थे, कहाँ से, मक्का से मदीना तक. ठीक है. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. ब्रीफ आंसर्स लर्न करने का आप लोगों को अभी से प्रैक्टिस होना चाहिए, बिकॉज ब्रीफ आंसर्स ये ज़्यादा मार्क्स के लिए रहते हैं, 2 to 3 मार्क्स के लिए रहते हैं. ओके. व्हाट इज मीन बाय द यूनिलिनियर डिवीजन ऑफ टाइम. यूनिलिनियर डिवीजन ऑफ टाइम क्या होता है, अभी देखो 7 days का क्या बनता है, अ वीक बनता है, एक वीक 7 days का होता है. तो पेज नंबर 6 पे आप लोग देख सकते हो, हियर 7 days फ्रॉम मंडे टू संडे मेक 1 week, 2 weeks मेक अ fortnight, मतलब 15 दिनों का, जिसे हम मराठी में पंदरवड़ा कहते हैं, और मराठीमध्ये आपण पंधरवडा म्हणतो, आणि इंग्लिशमध्ये आपण त्याला काय म्हणतो, 15 दिवसाचा जो टाईम असतो त्याला फोर्थ नाईट. 4 weeks मेक अ मंथ, 4 week का 1 month बनता है, 12 months मेक अ इयर. इन दिस मॅनर वी रॉकेन टाईम इन बिगर अँड बिगर युनिट. इसी तरह से टाइम क्या होता है, बिगर और बिगर युनिट में चेंज होने लगता है. फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 1 year इज फॉलोड बाय अनदर एंड वेन 100 years गो बाय अ सेंचुरी इज कम्प्लीटेड. 100 year का 1 century हो गया. देन वेन 10 centuries दैट इज 1000 years आर गॉन, उसको हम बोलेंगे मिलेनियम इज कम्प्लीटेड. सच अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग टाइम इज नोन एज द यूनिलिनियर डिविजन ऑफ टाइम. ठीक है. यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है, आप चाहो तो इसे लिख लो और आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो. पूरा आंसर देखो मैं दिखा रही हूँ. ओके. नाउ वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूनिट यूज फॉर मेजरिंग टाइम. तो देखो यहाँ पर तो इन्हें ओमिट दिया हुआ है, इन्हें ये आंसर नहीं दिया गया है, बट मैं आपको ये आंसर दे रही हूँ. पेज नंबर 7 पे देखो, टू मेजर टाइम इज टू मेजर द लेंथ ऑफ टाइम. अगर टाइम मेजर करना है तो आपको क्या करना होगा, उसका लेंथ, वो कितना बड़ा है. तो 1 second जो होता है, देखो एक अभी मैं बोल रही हूँ तो एक झट से सेकेंड खत्म हो गया, पूरा वीडियो होते होते क्या हो जाएगा, 15 minutes या 20 minutes ऐसे हो सकते हैं. तो मतलब सेकेंड का मिनट हुआ, मिनट का फिर हावर हो जाएगा, हावर का फिर डे होगा, 24 hours का 1 day होता है, और 1 day के ऐसे 7 days होने के बाद 1 week हो जाएगा. तो ऐसे 2 week मिलके एक fortnight हो गया, और 4 week मिलकर मंथ हो गया, फिर 12 months होके एक ईयर होता है, 100 year का सेंचुरी होता है, और 1000 year का मिलेनियम होता है. तो इसी तरह से ही क्या हो रहा है, टाइम ये मेजरमेंट किया जाता है. तो अभी एक बार फिर से मैं पूरा फिर आंसर रीड करती हूँ. टू मेजर टाइम इज टू मेजर द लेंथ ऑफ टाइम. वी नो द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइम. कौन से यूनिट्स है उसके, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, सेंचुरी एंड मिलेनियम. ओके. और सेकेंड इज व्हाट,
स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट तो क्या है वो, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, इतना आप लोग इसके आंसर में लिखिए। नेक्स्ट, राइट अबाउट राज्याभिषेका शका। अभी राज्याभिषेक जो था शिवाजी महाराज ने किया था उसके बारे में पूछा है। छत्रपति शिवाजी महाराज हैड स्टार्टेड अ न्यू फॉर्म एरा और शका। एरा मतलब क्या है, शका, नोन एज राज्याभिषेक शका इन 1674। ये टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, मैंने आप लोगों को जो आंसर दिखाया था स्टार्टिंग में वही सेम आंसर है, फिल इन द ब्लैंक में जो दिया हुआ था वही आंसर यहाँ पर भी दिया हुआ है। सी पेज नंबर 7 पे आप लोग देखोगे ना, यहाँ से ये दिया हुआ आंसर है एंड आंसर एंड ऑन पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 के ऊपर यहाँ पर ये आंसर एंड हो जाएगा। तो इन 1674 एडी टू कमोमरेट हिज कॉरोनेशन। और कॉरोनेशन जब शिवाजी महाराज का हुआ उसके बाद उन्होंने ये नया एक कैलेंडर स्टार्ट किया जिसको हम क्या बोलते हैं, राज्याभिषेका शका। ठीक है, तो आप लोग ये गूगल के ऊपर राज्याभिषेका शका अगर टाइप करते हो ना तो आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये ना आफ्टर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, क्या दिया है, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम एंड एस्टेब्लिशिंग एज डेटिंग। तो जो प्लांट्स होते हैं उसे हम कैसे किस तरह से देखेंगे, द इवेंट बिफोर द इवेंट बिफोर द बिगनिंग ऑफ कॉमन एरा आर मेंशन एज हैविंग ऑक्योर्ड बिफोर द कॉमन एरा। द इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ दीज इवेंट्स कैन ओनली बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एविडेंस बरीड अंडर द ग्राउंड। जो एविडेंस होते हैं मतलब जो हमें उसका, जैसे अभी समझो किसी ने खून किया है, किसी ने चोरी की है, तो वहां पर उसके एविडेंस मिलते हैं ना, मतलब जिसे हम मराठी में कहते हैं, मराठी में अपन मतलब पुरावा या सबूत हिंदी में कहा जाता है, तो वो जो होते हैं वो कहाँ से मिलेंगे, अंडर द ग्राउंड, जमीन के अंदर, बिकॉज वो अंदर अंदर जमीन के नीचे, मट्टी के नीचे बार बार दफन हो चुके हैं, अंदर पूरे बरीड हो गए हैं। देर आर मैनी लार्जर ऑफ सॉइल, सॉरी मैनी लेयर्स ऑफ सॉइल डिपॉजिटेड वन अबव द अदर अंडर द सरफेस। मतलब मैंने अभी जो बताया ना, मट्टी एक के ऊपर लेयर होती जा रही है। बाय यूजिंग दिस द कार्बन 14 एनालाइज थ्री रिंग्स एनालाइज डेटिंग, इसे हम कहते हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था। तो देखो यहाँ से ये आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, देर आर मैनी लेयर्स ऑफ द सॉइल डिपॉजिटेड वन अबव द अदर अंडर द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड, द पीरियड ऑफ दीज लेयर्स एंड द रिमेन फाउंड इन द इन देम कैन नॉट बी स्टार्टेड डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट करो, आप टेक्स्ट बुक से अगर लिखना है तो स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड हियर यू हैव टू कंप्लीट दिस वन। ठीक है, यहाँ तक आपको ये कंप्लीट करना है। देन लास्ट क्या दिया हुआ है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओके वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द टेक्निक फॉर मेजरिंग ऑफ टाइम वाज नॉट डिस्कवर्ड। अगर टाइम, अगर जिस तरह से हम टाइम देख रहे हैं ना, सुबह हुई है, शाम हुई है, कितने दिन हुए, आपके बर्थ को कितने साल हो गए हैं, आपके जो पेरेंट्स थे उनको कितने साल हुए हैं, कितने सालों से वो मुंबई में है, शहर में है, पुणे में है, या किसी आप ना शहर में रहते हो वहाँ पर है, कितने सालों से आपके ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ पर रहते हैं, ये सब जो बातें हम डिस्कस करते हैं घर पर, तो ये सब हम कैसे डिस्कस करते हैं अगर टाइम ही नहीं होता तो इसीलिए यहाँ पर हमें दिया है कि हम क्या करते फिर अगर टाइम डिस्कवर्ड नहीं किया होता। इफ द टेक्निक फॉर मेजरिंग ऑफ टाइम हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड वन वुड नॉट नो ऑफ वॉट टाइम इज इट। किसी को टाइम क्या है अभी पता ही नहीं चलता। इन अदर वर्ड देर वुड नॉट बी एनी चेंजेस दैट वन कैन अवेयर ऑफ। तो हम किसी भी चेंज हो रहा है उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है, उसके बारे में हमें अवेयर ऑफ नहीं होते, मतलब हमें उसके बारे में पता नहीं चलता।
ये आंसर आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लो, थोड़ा मैं और बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं इसके आंसर खुद से लिखने होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है ओरल के, क्या दिया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडी, एडी क्या होता है, एनी डोमिनी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसी, बिफोर क्राइस्ट, व्हिच इज द ईयर इन व्हिच एन इवेंट टू प्लेस 5000 ईयर एगो। तो व्हिच इज द ईयर इन व्हिच एन इवेंट टू प्लेस 5000 ईयर, 5000 ईयर्स पहले का अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 5000 B.C.E. before Christ है ना। In whose memory did Christian era begin? Jesus Christ. Which era is most commonly used? हम कौन सा एरा को ज्यादा यूज करते हैं? अभी देखो कैलेंडर आप लोगों के सबके घर में है, लेकिन जो जो मराठी है वो लोग महाराष्ट्रियन कैलेंडर नहीं यूज करते हैं, जो मोमेडियन है वो लोग भी नहीं यूज करते हैं उनका कैलेंडर। सब लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनली यूज होने वाला कैलेंडर जिसमें हम जनवरी फरवरी मार्च ये मंथ होते हैं, मतलब वो कॉमनली यूज होने वाला कैलेंडर होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रिगोरियन। तो वो क्रिश्चियन एरा का है ना, तो इसके लिए आप लोग क्या लिखोगे, क्रिश्चियन एरा लिखो यहाँ पर। तो ये क्रिश्चियन एरा इसका आंसर है, ओके। अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है, टाइम ऑफ हिस्ट्री। तो कौन कौन से टाइम ऑफ हिस्ट्री है, प्री हिस्टोरिक, देन हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक, ये टू टाइम है हिस्ट्री के। और ये आप पर देखोगे तो इसको भी आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रिवाइज दिस, इसे रिवाइज करना है एग्जाम में आप लोगों को फील करने के लिए ये आ सकता है। तो प्लीज इसको भी आप लोग एक बार अच्छे से लर्न कर लो। देन ओके, यहाँ पर भी ये दिया हुआ है बीसी बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट का है ये, आफ्टर सीई कॉमन एरा जो है, मतलब ये एनी डोमिनी आफ्टर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के बर्थ से जो स्टार्ट हुआ है वो है, ठीक है। ये पहले वाला है जो अभी हम 2020-21 अभी चल रहा है, तो 2020 तक यहाँ पर दिया है, 2000 तक, तो अभी क्या चल रहा है, 21 चल रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा तब जाके यहाँ पर 100 इयर्स के बाद में क्या आएगा, 2100 आएगा। तो ऐसे ही ये बढ़ते रहेगा हमेशा, ओके। तो बच्चों अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट, क्योंकि आगे के सारे लेसन के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन हमें देखने हैं, फिफ्थ स्टैंडर्ड के अदर सब्जेक्ट भी करने हैं। आप लोगों को और क्या क्या रिक्वायरमेंट है मुझे प्लीज कमेंट करके आप लोग बताते रहो। ये भी एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था सेकंड लेसन की, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन आंसर चाहिए थे, इसलिए तो मैंने आज वीडियो बना दिया है। और ऐसे ही आप लोगों को जो भी वीडियोस चाहिए मुझे प्लीज कमेंट करो, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाते रहूँगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू।